नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता से हमें बड़ा गर्व है और हम दुनिया के पहले और चौथे ऐसे देश बन गए हैं और उस लिस्ट में हम शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों, आज हम इसरो के बारे में जानेंगे कि इसरो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसरो में जो वैज्ञानिक हैं जो काम करते हैं वो कौन कौन से पद हैं, किस पद पर काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं और उनकी सैलरी क्या है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी इसरो से संबंधित। चंद्रयान 3 में अभी आपने देखा कि काफ़ी अच्छी सफलता काफ़ी कम बजट में हासिल की, जो विश्व के अन्य जो बजट होते हैं उनसे वो कई ज़्यादा होते हैं। तो जानेंगे, आप पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें और इस पर अपने विचार लिखें। तो आइए जान लेते हैं। लैट चंद्रयान 3 से अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने और भारत के विश्वभर में इतिहास रचने के बाद अब इंटरनेट पर लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और उनके वैज्ञानिकों के बारे में हर चीज़ सर्च करने में जुटे हुए हैं। इसमें कैसे इसरो का वैज्ञानिक बन सकते हैं, वैज्ञानिकों को कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं आदि आदि। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के सारे जवाब। तो कितनी मिलती है इसरो वैज्ञानिकों को सैलरी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को पद के हिसाब से अलग अलग सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं। वहीं इसमें चपरासी से लेकर वैज्ञानिकों तक की भर्तियां भी अलग अलग स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से होती हैं। वहीं ग्रेजुएट वालों के लिए इसरो में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती की जाती है। चुनिंदा पदों के लिए 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक प्रतिमाह सैलरी दी जाती है। इसके अलावा विभिन्न भत्ते और लाभ भी दिए जाते हैं। इसरो में इंजीनियर्स की शुरुआती सैलरी 37,400 से 67,000 तक मिलती है। इसमें भत्ते शामिल नहीं है, अगर उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो यह 1,00,000 तक पहुंचती है। इसरो में सीनियर साइंटिस्ट की शुरुआती सैलरी 75,000 से 80,000 के बीच मिलती है। इसके बाद पद ग्रेड के हिसाब से सैलरी में बदलाव होता है। इसरो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट वार्षिक पोस्ट पैकेज संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है। इसके लिए सालाना पैकेज 3,00,000 से 3,50,000 रुपये तक सालाना के बीच हो सकता है। इसके अलावा डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट की सैलरी 2,05,400, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट की 1,82,200, साइंटिस्ट इंजीनियर एच की 1,44,200, साइंटिस्ट इंजीनियर एस जी की 1,31,100 रुपये और साइंटिस्ट इंजीनियर एस एफ की सैलरी 1,18,500 रुपये तक होती है। इसमें भत्ते भी शामिल हैं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 75,500 से 80,000 रुपये, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को 67,000 से 79,000 रुपये, साइंटिस्ट इंजीनियर एच एंड जी को 37,400 से 67,000 रुपये, साइंटिस्ट इंजीनियर एस जी को 37,400 से 67,000 रुपये, साइंटिस्ट इंजीनियर एस एफ को 37,400 से 67,000 रुपये, साइंटिस्ट इंजीनियर एस ई और एच डी को 15,600 से 39,100 रुपये सैलरी के तौर पर मिलते हैं। सभी चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन पैकेज और नौकरी की सिक्योरिटी के साथ साथ कैरियर ग्रोथ के कई अवसर भी मिलते हैं। एक बार प्रोबेशन अवधि समाप्त हो जाने पर वे अपने परफॉर्मेंस, सीनियोरिटी और अनुभव के आधार पर प्रमोशन यदि कोई हो तो उसमें भाग लेने के योग्य होते हैं। यदि वे प्रमोशन के लिए परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो उन्हें उच्च पद पर पदोन्नति मिलती है और वे उच्च वार्षिक पैकेज और लाभ प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इसरो के वैज्ञानिकों को सैलरी भत्तों के साथ साथ आईएएस आईपीएस अफसरों की तरह कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। इसमें घर, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके साथ ही ये सीधे केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं तो इनकी सैलरी भी समय पर आ जाती है। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ते, नई पेंशन योजना आदि का लाभ मिलता है। इसके अलावा स्वयं और आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ, रियायती कैंटीन, सीमित क्वार्टर सुविधा एचआरए के बदले में, लीव ट्रेवल कंसेशन, ग्रुप बीमा, हाउस बिल्डिंग एडवांस्ड और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इसरो क्या है। अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए हर देश के पास एक अलग एजेंसी होती है। भारत में इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी कि इसरो है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। इसरो के वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष मिशन की योजना, उपग्रहों के डिजाइन, विकास, परीक्षण और नियंत्रण समेत कई काम करने होते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यातायात, अंतरिक्ष सांख्यिकी, अंतरिक्ष उपग्रह उपयोग, अंतरिक्ष और उपग्रह मिशनों के लिए नई तकनीकों, उपकरणों और विज्ञान में नवीनता लाने का काम भी इसरो वैज्ञानिकों के जिम्मे होता है। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी विभिन्न स्रोतों से जुटाई गई हैं, इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसरो से संबंधित
चंद्रयान से संबंधित जो टीम थी वैज्ञानिकों की, इंजीनियरों की, उनकी सैलरी के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।